नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस गुरु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल महिंद्रास पे। यानी देर सही लेकिन दुरुस्त। कहा था वार यानी 40 प्रश्नों के वार, यानी जितने सारे महारथी दिख रहे पीछे हैं कौन, यानी जितने सारे बच्चे हैं उन लोगों में से कोई एक ना एक है जिसके पास एनटीपीसी की चाबी जाएगी रिजल्ट के रूप में। यानी आज देखेंगे 40 प्रश्नों का वार और कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो कमर कसकर बैठे हैं, कमर की पेटी बांध लो। यानी सोचो कि 40 प्रश्न में कम से कम एटलीस्ट 25 प्लस आनी चाहिए, 25 प्लस आनी चाहिए, 25 प्लस आनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज क्या है बाबा के पिटारे में 40 क्वेश्चन में कितने सही करने वालों आप लोग। लेकिन उसके पहले अब सरकारी नौकरी दूर नहीं, क्यों? क्योंकि महिंद्रा आपके लिए एक और अच्छा ऑफर लेकर आया है 26 अगस्त 2019 को, यानी SBI पीओ प्री और क्लर्क दोनों के लिए। तो विजिट करिए myshop.mahindra.org। क्वेश्चन नंबर 1, क्लिनिकल थर्मामीटर की मानक सीमा क्या है? टाइमर शुरू। 35 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस या 37.5 डिग्री टू 49.5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 1, चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा? क्लिनिकल थर्मामीटर की मानक सीमा क्या है? टाइमर गायब और जवाब आपके निकल कर आए 35 डिग्री से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस। रीजन बिहाइंड पता है? जो हमारा टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए क्लिनिकल थर्मामीटर की मानक सीमा की बात करें, रेंज की बात करें, तो 35 से 45 डिग्री सेल्सियस होगा। क्लिनिकल थर्मामीटर में मानक 35 टू 45 डिग्री सेल्सियस में, और अगर फारेनहाइट पूछेगा, मेरी बात समझना, अगर फारेनहाइट पूछेगा तो 94 से लेकर 108। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस है। क्योंकि हमें पता है सामान्य तापमान जो है 35 डिग्री से और 42 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है, जाएगा तो फिर ऊपर चला जाएगा वो। इसी कारण है कि क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच है। क्वेश्चन नंबर 2, टंगस्टन का उपयोग के कारण विद्युत बल्ब में फिलामेंट के निर्माण के लिए किया जाता है। टंगस्टन का यूज हम क्यों करते हैं? उच्च प्रकाश उत्सर्जक शक्ति के रूप में, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रूप में, हाई मेल्टिंग पॉइंट के रूप में या लो मेल्टिंग पॉइंट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2, ईशानी जी आज पक्का 40 सवाल करेंगे, परेशान ना हो, आज पक्का 40 क्वेश्चंस करेंगे, परेशान ना हो। उच्च गलनांक, हाई मेल्टिंग पॉइंट, पता है टंगस्टन यानी हम डिनोट करते हैं W से, और फिलामेंट के रूप में यूज करते हैं टंगस्टन का, क्यों? उच्च गलनांक के रूप में। यानी टंगस्टन की अगर हम बात करें तो 3500 केल्विन उच्च गलनांक, सबसे कम वाष्प का दबाव और सभी धातुओं में सबसे बड़ी तन्य शक्ति होती है। चूंकि यह गलने से पहले उच्च तापमान तक पहुंच सकता है, इसीलिए इसका उपयोग प्रकाश बल्ब फिलामेंट्स के लिए किया जाता है। फिलामेंट्स की माइंस की बात करेंगे तो डेगाना माइंस है, डेगाना माइंस जो राजस्थान में है, एकमात्र भारत में डेगाना का खदान या माइंस है राजस्थान में टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 3, यदि कोई जहाज ताजे पानी से समुद्री जल में जाती है तो क्या होगा? पूरी तरह से डूब जाएगी, थोड़ी डूब जाएगी, थोड़ी ऊंची ऊंची उठ जाएगी या अप्रभावित होगी। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कोई जहाज ताजे पानी से समुद्री जल में जाएगा तब क्या होगा? थोड़ा सा उठेगा। क्यों उठेगा? क्योंकि जो फ्रेश वाटर है और समुद्री जल है उसका क्या होगा? डेंसिटी में डिफरेंसेस, डेंसिटी में अंतर होगा। तो जितने लोग जुड़े हैं जल्दी से शेयर करो लिंक को और बुलाओ कि भैया 40 क्वेश्चन है, बिल्कुल आज टेस्ट देने के बाद ये एहसास ना हो जाए तो कहना जैसे रेलवे सेट करता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो जब किसी पिंड को किसी तरल पदार्थ में डुबोया जाता है तो वहां पर एक बल लगाता है, उस बल को हम ब्योंसी या उत्प्लावक बल कहते हैं। चूंकि समुद्री जल का घनत्व ताजे जल की तुलना में अधिक होता है, इसे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या आयरन? चलिए तो मानव शरीर की बात करेंगे, सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाएगा? ऑक्सीजन पाया जाएगा। अरे सिंपल सा तरीका है, हमारे बॉडी का जो कुल वेट है उसका 70% की बात करें तो क्या है? वाटर है, और वाटर में क्या है? H2O।
अगर एटमॉस्फेयर की बात करें, वायुमंडल की बात करें तो नाइट्रोजन 78%, नाइट्रोजन की बात करेंगे तो वायुमंडल में 78%, और अगर अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ में भी सबसे ज्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन पाया जाएगा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होगा अर्थ में भी, हमारे बॉडी में भी, और हमारे बॉडी में सबसे कम मात्रा है लोहा, सबसे कम मात्रा क्या पाया जाता है हमारे बॉडी में, आयरन पाया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलो, तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन है, जबकि ऑक्सीजन सबसे अधिक है। कार्बन मानव शरीर में दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है, जो हमारे वजन का लगभग 18% है, यानी दूसरे नंबर पर क्या होगा, कार्बन होगा। दूसरे नंबर की बात करें तो कार्बन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर प्रत्यक्षतः शासन करना कब शुरू किया, प्लासी के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, या सिपाही विद्रोह के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, सर कहा प्रत्यक्षतः शासन, ब्रिटिश सरकार, याद होगा सिपाही विद्रोह 1857 के बाद, 1858 का एक्ट आया भारत सरकार अधिनियम, और इस अधिनियम के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रत्यक्ष शासन हो गया, यहां प्रत्यक्ष शासन हो गया, यानी क्या हो गया 1857 के बाद। प्लासी की बात करें 1757, बक्सर की बात करें 1764, और पानीपत तो तीन हुआ है 1526, 1556 और 1761। आज डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में किसी और दिन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी फीट डज अ क्रैब हैव, केकड़े के कितने पैर होते हैं, 6, 8, 10 या 12। देखा ना केकड़ा, नहीं देखा है तो आज दिखाएंगे, जबरदस्त। कितने पैर होते हैं केकड़े के, कितना हो गया, 10 पैर होता है केकड़ा का। अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये देख लीजिए, उछलता कूदता केकड़ा। एक केकड़े के 10 पैर होते हैं, एक केकड़े के 10 पैर होते हैं, 8 चलने वाले पैर हैं और 2 सामने वाले पैर हैं। 2 सामने वाले पैर को चेलीपेड्स कहते हैं, ये पूछा है आपके रेलवे ने पिछले बार। 2 सामने वाले पैर को चेलीपेड्स कहते हैं। आज का होमवर्क नंबर 1, केकड़ा का साइंटिफिक नेम क्या होगा, केकड़ा का साइंटिफिक नेम क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है, पुमंग, एंड्रोसियम, क्लोरोफिल, फ्लोयम या जाइलम। क्वेश्चन नंबर 7, चलो जल्दी, जल के परिवहन की बात करेंगे तो जाइलम। अरे सिंपल सा याद रखो ना, जल का परिवहन जाइलम से, और भोजन तैयार होगा, तैयार करेगा कौन, क्लोरोफिल के कारण हरा कलर दिखता है, और तैयार भोजन फ्लोयम के जरिए पूरे प्लांट में ट्रेवल करेगा। और एंड्रोसियम क्या है, तो एंड्रोसियम की बात करें, ये मेल सेक्स ऑर्गेन है प्लांट का, मेल सेक्स ऑर्गेन है प्लांट का एंड्रोसियम, यानी पुमंग और जायंग। जायंग की बात करेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गेन, और पुमंग मेल सेक्स ऑर्गेन। क्वेश्चन नंबर 8, 1983 में प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, महेंद्र अमरनाथ, सुनील गावस्कर, क्लाइव लाइट या कपिल देव। चलो महेंद्र अमरनाथ, आपको पता है 1983 में कप्तान थे कपिल देव, वेस्टइंडीज का कप्तान क्लाइव लाइट, ये पूछा है एमटीएस कई बार। तो 1983 में वेस्टइंडीज के कैप्टन कौन थे, क्लाइव लाइट थे, इंडिया के कैप्टन कौन थे, कपिल देव, और वर्ल्ड कप 1983 में मैन ऑफ द मैच महेंद्र अमरनाथ थे। बच्चों आपको बताना क्या है कि 2011 के वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच कौन था, 2011 के वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच कौन था, मैं बता दूं, मैन ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 9, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है, डेविड मैगी, चेतन भगत, यान मार्टेल, आंगली। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितना है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 21% है। ठीक है, तो लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक यान मार्टेल हैं, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक यान मार्टेल हैं। एक मूवी आई थी लाइफ ऑफ पाई के डायरेक्टर आंगली, कौन है, डायरेक्टर आंगली, और जो कहानी लिखा गया डेविड मैगी के द्वारा। तो देख लो लाइफ ऑफ पाई एक 2012 की अमेरिकन सर्वाइवल ड्रामा फिल्म है, जो इसी नाम के
यान मार्टल के 2001 के उपन्यास पर आधारित है। दो चीज निकल कर आया, लाइफ ऑफ पाई मूवी का डायरेक्टर कौन है ये आपको मिल गया, और आंगली डायरेक्टर था निर्देशित, और फिल्म की कहानी पटकथा की बात करें तो किसने लिखा, डेविड मैगी ने लिखा था। तो दोनों चीज याद रखना, और इस मूवी को मैन बुकर पुरस्कार भी मिला था, सॉरी इस पुस्तक को मैन बुकर पुरस्कार भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 10, किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ बहुत ज्यादा स्पीड है बच्चा, आज स्पीड है आज तो मान लो, बाकी बात रेगुलर अपन तो आराम से पढ़ते ही हैं। तो कहा चित्रकला, चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर, हिंदी का गोल्डन एज अकबर, और आर्किटेक्चर का गोल्डन एज शाहजहां। तीन चीज पूछा जाता है, हिंदी का स्वर्ण युग अकबर के समय में, चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के समय में, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के समय में। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु विखंडन रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है, कंट्रोल डिवाइस, मॉडरेटर, कूलेंट या एक्सेलरेटर। चलो जल्दी क्विक, क्वेश्चन नंबर 11। सर एक चीज याद रखिए, परमाणु विखंडन रिएक्टर में त्वरक की कोई भूमिका नहीं है, अगर यह रहेगा तो विस्फोट करेगा भाई। बोरॉन और कैडमियम कंट्रोल डिवाइस है, मॉडरेटर और कूलेंट क्या होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, जबकि ये तीनों होगा। फंस गए ना आप लोग, कर दिए ना गड़बड़, कर दिए ना। देखो समझो, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए ग्रेफाइट और भारी जल जैसे पदार्थों का उपयोग मंदक या मॉडरेटर के रूप में करते हैं, पहला ऑप्शन। न्यूट्रॉन को अवशोषित करके विखंडन की दर को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल रॉड के रूप में कैडमियम या बोरोन का यूज करते हैं, दूसरा ऑप्शन। और गर्मी को, उष्मा को दूर करने के लिए D2O भारी जल को यूज करते हैं कूलेंट के रूप में, शीतलक के रूप में, तीसरा ऑप्शन। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय। मजा आ जाएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब क्या होगा, महासभा नियुक्त करता है, बिल्कुल ऐसे जैसे प्रधानमंत्री के सिफारिश पर कैग की बात करें, अटॉर्नी जनरल की बात करें, नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, हम लोग तीन दिन से देख रहे हैं, वैसे ही सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर महासभा संयुक्त राष्ट्र महासचिव को नियुक्त करेंगे। आपका होमवर्क क्या है, कैट प्रेजेंट यूएनओ के महासचिव कौन है, यानी सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति महासभा द्वारा की जाती है, और फिर इसलिए महासचिव का चयन सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में से किसी के वीटो के अधीन है। अगर हम 5 सुरक्षा परिषद की बात करें तो कैसे याद रखें, फ्रेश यानी क्या हो गया, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड, 5 सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, फ्रेश। क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी को डैश से सविनय अवज्ञा के लिए किससे प्रेरणा मिली है, थोरो, रस्किन, कन्फ्यूशियस या टॉलस्टॉय। चलिए एंटोनियो गुटेरेस, बहुत बढ़िया, लाजवाब, सुपर। और शेयर करना अपने मार्क्स, तो महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था भारत में, थोरो से प्रेरित थे, यानी डेविड थोरो की एक पुस्तक को पढ़कर गांधी जी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा मिली, जो एक अमेरिकी लेखक, कवि, दार्शनिक और इतिहासकार थे। थोरो के सविनय अवज्ञा से लियो टॉलस्टॉय और मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी प्रभावित थे। तो कितने सारे क्वेश्चन मिले, डेविड थोरो कहां के थे, अमरीकी लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लास की टाइमिंग आपकी 7 से 8 एवरीडे, रेगुलर, मंडे टू सैटरडे। तो सर सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करेंगे, कई बार देखा हमने, कहा कि मुसलमानों को, मुस्लिम को सबसे पहले, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, जिसे हम भारत सरकार अधिनियम 1909 भी कहते हैं,
भारत सरकार अधिनियम 1909 भी कहते हैं। तो याद रखना, सबसे पहले सांप्रदायिकता का जन्म यहीं से देखने को मिलता है। इसके बाद यहां पर सिख को भी मिल गया, सिख को भी मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, किस योजना के तहत सरकार ने कृषि रणनीति पेश की जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या चौथी पंचवर्षीय योजना? चलिए क्वेश्चन नंबर 15, टाइमर खत्म हो गया, जवाब निकल कर आया। तीसरी पंचवर्षीय योजना, सर ऐसे सोचो ना, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966-67 में हुआ था। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, दूसरी की बात करें 1956 से 1961, तीसरी की बात करें 1961 से 1966, और चौथी की बात करें तो 1966 से 1969, नहीं प्लान हॉलीडे, 1969 से 1974 चौथी पंचवर्षीय योजना है। आई बात समझ में? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत देखने को मिली। चौथा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? यूपी, एमपी, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। चलो, स्पीड को मेंटेन रखो, गति को मेंटेन रखो। सोचो ऐसे ही एग्जाम में आएगा यार, एक घंटा में तो 40 क्वेश्चन देखना है, एक घंटा में आपको कई सारे चीज देखने हैं। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अब एक चीज समझना, सबसे ज्यादा दलहन कहां? मध्य प्रदेश में होता है। तो कई लोगों को लगेगा सर मध्य प्रदेश नहीं, कहां होगा? कानपुर होगा। कहां होगा? कानपुर होगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान एक सरकारी संस्थान है जो उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। क्लियर है? आई बात समझ में? यहां तक क्लियर हो गया? देखो क्वेश्चन नंबर 17, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? चिकित्सा, कृषि, शांति, कोई नहीं। हरित क्रांति 1967-66 में भैया, क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब शांति। सर ये क्वेश्चन 2018 के यूपीपीएससी में पूछा गया है, यूपीपीएससी में पूछा गया है। कई सारे बच्चे गलती करेंगे, एग्रीकल्चर मारेंगे, आई एकदम एग्रीकल्चर मारोगे, पता है हमें। देखो, अरे यार अब कुछ सोचो, कितने सेक्टर में नोबेल मिलता है भैया? मेडिसिन, पीस, लिटरेचर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कितने हो गए? 3 और 2 5, और इकोनॉमिक्स। अब बताओ एग्रीकल्चर में कहां मिलता है नोबेल पुरस्कार? एग्रीकल्चर में कहां मिलता है नोबेल पुरस्कार जो आप मार रहे हो? फंस गए ना, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन को पढ़ा करो। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार की बात करेंगे तब हम कृषि क्षेत्र में देते हैं, तब हम कृषि क्षेत्र में देते हैं। नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल मिला था, शांति का नोबेल मिला था। आगे देखो, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें 1970 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखना, रिमेंबर, भूलना नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसके कमी के कारण होता है? विटामिन, सॉल्ट, हार्मोन, वाटर। गलती मत करना, गलती मत करना, पाप लगेगा पक्का। अरे मैंने गूगल ही नहीं दिया यार, मैं बताऊं ये क्वेश्चन को मैंने भी गलती करके आया, इसलिए जल्दीबाजी में, तो एग्जाम का प्रेशर बच्चा ऐसा होता है कि गलती करते हैं। सर डिहाइड्रेशन की बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में निर्जलीकरण, निर्जलीकरण बोलते हैं इसको, यानी वाटर की कमी हो जाती है बॉडी में, क्या होगा? जल होगा। इसीलिए कहा जाता है गर्मी के दिनों में भैया घूंट में घूंट लेते रहो, तो क्या ग्लूकोज लो, वाटर लो, जो लेना है, लेकिन जल की कमी ना होने पाए, क्या होगा? वाटर होगा। यानी शरीर से, बॉडी से जब अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ खत्म हो जाता है तो उस स्थिति को डिहाइड्रेशन कहा जाता है। गर्मी में शरीर से पानी की कमी के कई कारण हैं, जैसे बहुत पसीना आना, उल्टी एवं दस्त, डायरिया के लक्षण वाले रोग। इसके अलावा कुछ बीमारियां जैसे लू लगना, तेज बुखार इत्यादि भी डिहाइड्रेशन की समस्या आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली, प्याज, आलू या फिर गाजर, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19, मूंगफली, सर ये सबके सब तना खाते हैं, आपको पता है, हद करते हो यार, इतनी बार बताते हैं गड़बड़ कर बैठते हो, हद कर दी आपने, हद कर दी
आपने। और फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, भूलना नहीं, हल्दी तना खाते हैं, केसर सैफरन कना खाते हैं, दी यानी अदरक आदि तना खाते हैं, आलू प्याज लहसुन सबके हम स्टेम खाते हैं, तना खाते हैं। यहां पूछा भूमि के नीचे तो क्या होगा, रूट यानी जड़। मूंगफली का क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं, यानी मूंगफली नीचे होगा, मूंगफली नीचे होगा ना। क्वेश्चन नंबर 20, स्वेज नहर किसको जोड़ता है, किसको कनेक्ट करता है, भूमध्य सागर और उत्तरी सागर, लाल सागर कैप्रियन सागर, भूमध्य सागर लाल सागर या बाल्टिक या लाल सागर, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20। चलो, यानी कैसे याद रखें, स्वेज की भूल, स्वेज की भूल, भूल यानी भूमध्य सागर लाल सागर, भूमध्य सागर लाल सागर स्वेज की भूल, सिंपल सा तरीका है याद रखने का। और बाल्टिक और लाल सागर को कील सागर, कील नहर जोड़ता है, कील नहर बाल्टिक और लाल सागर को जोड़ता है। तो ये स्वेज कैनाल हो गए, और ये रेड सी है और ये मेडिटेरेनियन सी है, ये कनेक्ट करता है स्वेज नहर, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिला संघ का प्रतिनिधित्व किसने किया, अरुणा आसफअली, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट। चलो क्विक जल्दी, भूलना नहीं, भूलना नहीं, बहुत गड़बड़ करोगे। सर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने भाग लिया, आपको पता है 1931 की बात है, लेकिन भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व किसने किया, सरोजिनी नायडू ने, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष कहा था, यानी पहली इंडियन महिला, यानी इंडियन फीमेल भारतीय महिला। जबकि एनी बेसेंट की बात करेंगे तो 1917 में एनी बेसेंट पहली महिला बनी है कलकत्ता के अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर इन इंडिया इन 2019। देखो यहां छुप रहा है, भूलना नहीं, 2019 में भारत में कितने राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय नेशनल, 6, 7, 8 या 9, क्या होगा। सर 8, एक बढ़ गया, आपको पता होगा लोकसभा चुनाव हमने कराया था उसमें 7 बताया था, एक बढ़ा है अभी, एक बढ़ा है अभी, कौन, नेशनल पीपुल्स पार्टी भारत में 8वीं राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। इसके बाद आप खुद देख लेना, INC है 1, BJP 2, BSP 3, CPI 4, CPIM 5, NCP 6, AITC 7 और NPP 8, NPP 8, क्लियर है, आई बात समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 23, रेशम किससे प्राप्त करते हैं, रेशम कीट के लार से, रेशम कीट का लार्वा से, रेशम कीट के कोकून से या सहतूत के पेड़ से, क्या होगा, रेशम हम किससे प्राप्त करते हैं, जल्दी, रेशम किससे प्राप्त करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए रेशम प्राप्त करते हैं हम कोकून से, किससे, कोकून से। तो सबसे पहले एग, एग के बाद लार्वा जिसको हम प्यूपा बोलते हैं, इसके बाद कोकून, यहीं से हम प्राप्त करते हैं रेशम, कहां से, कोकून से प्राप्त करते हैं। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, शरीर के तापमान को कौन कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, सेरेबलम या थायराइड ग्लैंड, क्या होगा। शरीर के टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करेगा, सर हमारे टेम्परेचर को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड भैया ये मास्टर ग्लैंड है, ये सबको कंट्रोल करेगा, सेरेबलम की बात करेंगे तो ये हमारे पूरे बॉडी बैलेंस को देखता है, चलना फिरना दौड़ना धूपना, अरे सर ऐसे याद रखो ना, बैलम जो बैलेंस का काम करेगा। थायरॉयड ग्लैंड की बात है तो पता ही है यहां पे होता है थायरॉयड ग्लैंड, और घेंघा यानी ग्वाइटर, आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य ने अपनी नई जैव प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, जल्दी, बहुत शानदार, लाजवाब, ऐसे ही सही सही जवाब दो, सिलेक्शन पक्का होगा, कोई रोकेगा नहीं सिलेक्शन आपका। तो किस राज्य ने अपनी नई जैव प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की थी, ओडिशा ने किया था, कैसे, ओडिशा सरकार ने अपनी राजधानी भुवनेश्वर में एक मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव के समापन के दिन बायोटेक क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई जैव प्रौद्योगिकी नीति 2018 की घोषणा की, लक्ष्य है राज्य को देश में एक शीर्ष बायोटेक निवेश गंतव्य बनाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, हिमालय के निम्नलिखित में से किस भाग में पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम फैलाव है, कुमाऊं, असम, पंजाब, नेपाल, क्वेश्चन नंबर 26,
याद होगा ये क्वेश्चन करा चुके हैं कई बार, उड़ीसा वाला जो अभी बताया। तो सर हिमालय का जो भाग है, चार हिमालय है, जो सबसे चौड़ा कौन है? तो फैला हुआ नेपाल। कैसे याद रखें? एन ए पी के, नेपाल हिमालय सबसे बड़ा, इसके बाद असम हिमालय, फिर पंजाब हिमालय और फिर कुमाऊं हिमालय। ये चार हैं, सबसे बड़ा कौन है? नेपाल हिमालय है। सबसे बड़ा कौन है? नेपाल हिमालय है, याद रहेगा नपाक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। भारत में 34 नदियों की सफाई के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी निधि मंजूर की गई, कितना फंड अलॉट किया गया? 1200 करोड़, 1500 करोड़, 3500 करोड़ या 5870 करोड़? चलो सर, 34 नदियों की सफाई के लिए भारत सरकार जो फंड अलॉट की है वो 5870 करोड़ है। तो ऐसे क्वेश्चन रेलवे कई बार पूछता है, बस याद कर लो, 34 नदी 5870, दैट्स इट। तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना एनआरसीपी के तहत कुल 5870 करोड़ रुपया अलॉट हुआ है, जिसमें से राज्य को 2522 करोड़ रुपया दिया जाएगा। 16 राज्यों में फैले 77 शहर में 5870 करोड़ रुपया की लागत से 34 नदियों को क्या किया जाएगा? साफ किया जाएगा, यानी पॉल्यूशन फ्री बनाया जाएगा। एनआरसीपी ने 16 राज्यों में कवर किया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28। कौन से शहर सबसे पहले एसटीडी सेवाओं से जुड़े थे? कानपुर लखनऊ, दिल्ली लखनऊ, कोलकाता आगरा, कोलकाता दिल्ली। चलो क्वेश्चन नंबर 28। और सब शेयर करना अपने अपने मार्क्स खत्म होने के बाद। ठीक है, तो सर सबसे पहले एसटीडी कानपुर लखनऊ, सोचो कितना नजदीक है ना, कानपुर से लखनऊ एक घंटे में तो आ ही जाते हैं, एक दो घंटे में। कोलकाता से आगरा सबसे पहले टेलीग्राम या टेलीग्राफ, टेलीग्राफ की सेवा कोलकाता आगरा के बीच चली थी, याद है, कोलकाता और आगरा के बीच और कानपुर लखनऊ के बीच एसटीडी। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? द फर्स्ट सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग की शुरुआत 1960 में कानपुर और लखनऊ के बीच देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 29। आर एन रवि को हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। चलो आर एन रवि किस राज्य में राज्यपाल? नागालैंड। एक चीज मेरी बात समझना, जब एनटीपीसी का पेपर होगा, जितने भी गवर्नर चेंज हुए हैं माय डियर बउआ बच्चा जो समझ लो, सब लिस्ट बना लो और जहां पढ़ाई करते हो वहां पे चिपका डालो, नजर डालो, भूलना नहीं। और होमवर्क यही है कि मेघालय, मणिपुर, मिजोरम का कौन है ये कमेंट बॉक्स में बताना है वीडियो खत्म होने के बाद। तो आर एन रवि को नागालैंड की राजधानी कोहिमा को राजभवन के समारोह में 1 अगस्त 2019 को नागालैंड के नए राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो चीफ जस्टिस के हाई, यानी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। 72 साल के बाद अब हिंदुओं के लिए सवला तेज सिंह मंदिर खुला है, मंदिर कहां स्थित है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। चलो जल्दी, याद है, बहुत बढ़िया संतोष जी, यही तो चाहिए यार, और क्या चाहिए? गजनी की तरह गुदवा लो अपने बॉडी में, क्योंकि राज्यपाल मुख्यमंत्री क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो पाकिस्तान में 72 वर्षों के बाद, यानी सर 1947 में देश आजाद हुआ था, बंटवारा हुआ, उसके बाद कभी खुला ही नहीं था, पहली बार खुला है, पहली बार खुला है ये, यानी विभाजन के बाद 72 वर्षों में पहली बार हिंदू भक्तों के लिए सवला तेज से मंदिर फिर से खोला गया। ये मंदिर कहां है? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो सर याद रहेगा, पाकिस्तान के सियालकोट में, पाकिस्तान के सियालकोट में ये मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 31। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स कहां बनते हैं? लिम्फ नोड, अस्थि मज्जा, प्लीहा, लीवर। चलो क्वेश्चन नंबर 31। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स कहां बनते हैं? एक साथ तीन क्वेश्चन मिलेंगे, हम लोग कहते हैं एक के साथ एक फ्री, एक के साथ तीन फ्री, यानी सर बोन मैरो। बहुत कंफ्यूजन होता है सर, ये कैसे याद रखें, किसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, किसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं? बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। क्या आसान पता है? देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यही तो है।
आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। सर सबसे पहले अल्फाबेट में क्या आएगा, ई एल और थ्रोम्बोसाइट, यानी ई एल टी आर डब्ल्यू पी, रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स, दैट्स इट। याद हो जाएगा, भूलना नहीं। और स्प्लीन को ग्रेवयार्ड बोलते हैं, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, जकारिया जॉनसन ने क्या आविष्कार किया था, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप और पेरियस्कोप, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 32। जकारिया जॉनसन ने क्या आविष्कार किया था, भाई मजा आ जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, सोच लो बिल्कुल एग्जाम में जैसा फील ना हो जाए तो फिर कहना। माइक्रोस्कोप जकारिया जॉनसन ने आविष्कार किया था, किसने किया, जकारिया जॉनसन ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया है। अब पेरियस्कोप से बॉडी के इंटरनल पार्ट को देखते हैं, पेरियस्कोप से हेंस लिप्रेसी को दूरबीन यानी टेलीस्कोप का आविष्कारक माना जाता है, और स्टेथोस्कोप को किसने किया, तो रेने लेनक द्वारा किया गया, रेने लेनक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया है। क्वेश्चन नंबर 33, किस देश ने बांग्लादेश और म्यांमार के बीच रोहिंग्याओं के शीघ्र प्रत्यावर्तन के लिए मध्यस्थता करने की पेशकश की है, रूस, चीन, भारत, जापान। चलो क्वेश्चन नंबर 33 क्या होगा, सर रोहिंग्या जो मुसलमान हैं, बहुत प्रॉब्लम है, भारत भी झेल चुका है, तो बांग्लादेश और म्यांमार के बीच चलता रहता है, तो जापान ने कदम बढ़ाया, बोला हम मदद करेंगे और इनकी प्रत्यावर्तन के लिए मध्यस्थता कराया जाए। यानी जापान ने बांग्लादेश और म्यांमार के बीच प्रत्यावर्तन करने के लिए मध्यस्थता करने की पेशकश की। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए के अब्दुल मोमन, ढाका में बैठक हुआ और जापानी समकक्ष यानी जापान के विदेश मंत्री तारो कोनो के बीच बैठक में यह निर्णय लिया गया है। आया मजा, आ रही बात समझ में, तो जरा लाइक पे भी ध्यान देना। यानी क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, वायु प्रदूषण का निम्नलिखित में से किस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, बोथ, दोनों या केवल पादप, ओनली प्लांट। चलो क्वेश्चन नंबर 34 वायु प्रदूषण का निम्नलिखित में से किस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, क्या होगा बोथ। मंगेश कुमार का जवाब बहुत बढ़िया बच्चे, आज नाम देख नहीं पाएंगे, फिर किसी दिन, बोथ होगा। अरे यार मेरे ऊपर तो है, सोचो ना, ताजमहल खराब हो रहा है, ताजमहल खराब हो रहा है, क्यों, क्योंकि मथुरा से निकलने वाले जितने भी फैक्ट्री हैं, कानपुर से निकलने वाले जितने भी फैक्ट्री से जो हानिकारक धुआं है, पूरा ताजमहल को काला कर दे रहा है। तो भाई लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, दोनों से प्रभावित होगा, दोनों को प्रभावित करेगा वायु प्रदूषण, दोनों को प्रभावित करेगा। क्वेश्चन नंबर 35, सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित होने वाला वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है, किसका अंतर्राष्ट्रीय मेला है, बुक्स, क्राफ्ट, साइंस या कैटल। क्वेश्चन नंबर 35, चलो क्या होगा, सर कैसे क्वेश्चन निकलेगा, सूरजकुंड क्या है, कहां है सूरजकुंड, चलो जरा बताओ सूरजकुंड फरीदाबाद कहां है। तो ये शिल्प मेला है, एक क्या है, शिल्प मेला है, एक क्राफ्ट मेला है। यानी 1 से 17 फरवरी 2019 के बीच 33वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद जिले में हुआ। क्वेश्चन क्या बनेगा, सर इस मेले का थीम राज्य महाराष्ट्र था, मेले का साझेदार पार्टनर कंट्री थाईलैंड था, पार्टनर कंट्री थाईलैंड और थीम स्टेट थीम राज्य महाराष्ट्र, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से क्या मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है, जमा नहीं होता है, एंजाइम, विटामिन, हार्मोन या वसा। हरियाणा बहुत शानदार, लाजवाब, देखो यूपी कहां जाओगे, फरीदाबाद, हरियाणा वाले से पंगा मोल ले रहे हो, यूपी कहां है, सर मानव शरीर में जमा नहीं होगा, भैया कई लोग लगेगा विटामिन है, कई लोग बच्चे विटामिन कहेंगे, बिल्कुल, क्योंकि कुछ विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल है, वो यूरिन के जरिए, स्वेट के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाता है, जैसे बी एंड सी। तो क्या होगा, हार्मोन कभी जमा नहीं होता है,
एज पर नीड, जैसे शरीर को जरूरत है वैसे निकलता है ये, जैसे टीयर ग्लैंड से निकलने वाले हमारे आंसू जमा है, रो के दिखाओ कहां, जब हमें दर्द होगा या खुशी होगा तब आंसू निकलता है। पसीना, स्वेट ग्लैंड यानी पसीना ग्रंथि, पसीना निकलता है, गर्मी महसूस हुआ, डर हुआ, सपना देखे हम रात में, तब निकलता है, यानी हार्मोन हमारे बॉडी में कभी जमा नहीं होता है, कभी जमा नहीं होगा। विटामिन होगा लेकिन बी और सी जमा नहीं होगा, बाकी बात केडी, केडी जो फैट सोल्यूबल है ये जमा होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन 2019 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का विजेता है? पूनम यादव, रविंद्र जडेजा, दीपा मल्लिक, अजय ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 37, सर दीपा मल्लिक दो लोगों को मिला है, दो लोगों को मिला है दीपा मल्लिक को, पूनम यादव, रविंद्र जडेजा और अजय ठाकुर, इनको क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड मिला है तीनों को, और दीपा मल्लिक को 2019 का गांधी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब आपको बताना है दीपा मल्लिक के साथ किन्हें मिला है, दीपा मल्लिक के साथ किन्हें मिला है, जरा आप बताएं कॉमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 38, लद्दाख की राजधानी किसे घोषित किया गया? लद्दाख टाउन, कारगिल, नोबरा या लेह? चलो, लद्दाख की राजधानी किसे घोषित किया? अरे यह तो हॉट टॉपिक है, इसे तो कम से कम जानने चाहिए हमें। लेह, लद्दाख की राजधानी किसे बनाया गया, किसे घोषित किया गया? लेह घोषित किया गया। नोबरा वहां का क्षेत्र है, कारगिल दोनों बड़ा जिला है ये, यानी लद्दाख की राजधानी और प्रमुख नगर लेह है, जिसके उत्तर में काराकोरम पर्वत और दर्रा है। लद्दाख क्षेत्र की आबादी लेह और कारगिल जिलों के बीच आधे हिस्सों में विभाजित है। तो ये जम्मू कश्मीर का जिला, ये लेह देख रहे हो, दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। लद्दाख का राजधानी क्या होगा? लेह होगा। क्या होगा? लेह होगा। हाँ, बजरंग पुनिया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19, असहयोग आंदोलन ने किस अवधि में गति प्राप्त की? 1915 से 17 के बीच, 1919 से 1920 के बीच, 1921 से 1922 के बीच, या 1930 से लेकर 1932 के बीच? क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 39, चलो जल्दी, हट गया सर। 1921 से 22, सोचो ना, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और फिर गति कब पकड़ा? 1921-22 के दौरान, तभी तो असहयोग आंदोलन 1922 में वापस लिया गया है, ना 15-17, ना 19-20, ना 30-32, क्योंकि 30-32 तो बहुत दूर है, 30-32 तो बहुत दूर है, क्योंकि 30-32 में क्या देखने को मिला? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन आपके, ईसानी जी का जवाब, सर आज 40 क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। हु एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड? राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति? मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि आपने कहा था सर आज 40 क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्या है बताइए? सर समझना, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। प्लानिंग कमीशन की बात करेंगे, जिसे हम आज नीति आयोग जानते हैं, तो सर नीति आयोग में प्रधानमंत्री होगा, यहां बात किया राज्य योजना बोर्ड का, कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल था, कुछ नहीं है, बस केवल कॉन्सेप्ट का खेल है, केवल कॉन्सेप्ट का खेल है। अब करना क्या है? मजा आया ना? तो यार कम से कम 3500 लगभग हो, लाइक तो दिखनी चाहिए उतनी, तभी तो हम समझे वाकई में आज मजा आ गया। मुझे भी मजा आया क्योंकि बहुत दिन से इंतजार था 40 प्रश्नों का। अब करना क्या है? अपने अपने मार्क्स शेयर करना वीडियो खत्म होने के बाद, कितने नंबर लाए हो, कितने नंबर लाए हो। और कई बार कह रहे थे बच्चे कि सर बजट, क्योंकि याद है 2019-20 का बजट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में यानी मंडे को, और देखेंगे बजट से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, और जाना कहीं नहीं है क्योंकि रीजनिंग इनइक्वलिटी पूरे 5 अंक पक्के, तो भाई जुड़िए हमारे गोलू मोलू यानी रीजनिंग के महागुरु से, और तुरंत जैसे क्लास एंड होगा 8 बजे जुड़ना ना भूलें महिंद्राज में सुपर 30 बैच के साथ। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक, आज की क्लास लेक्चर कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताना, अपने मार्क्स शेयर करना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप पहली बार जुड़े हैं महिंद्राज के साथ, जीएस गुरु के साथ, तो क्या करना है? सब्सक्राइब करें और बेल बटन है ना, घंटा, उसको टिक करके जाना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना और अपनों का
ख्याल रखें, धन्यवाद।